सदगुरु कबीर की साखी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा शीशे मूल को फूले फले अघाए। एक को साध लिया जाए तो सब कुछ साधा हुआ हो जाएगा। और यदि सबको साधने के लिए चलेंगे तो एक चला जाएगा। यहाँ एक है मन और सब है संसार। एक मन को साध लिया जाए, एक मन को स्वस्थ कर लिया जाए तो मानो सब कुछ स्वस्थ हो गया। एक मन के बस में हो जाने के बाद किसी और को बस में करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक मन को निर्मल और ठीक कर लेने के बाद किसी और को निर्मल और ठीक करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मन ही मूल है और मन को छोड़कर बाकी सब कुछ को स्वस्थ करने चले, ठीक करने चलेंगे तो सब कुछ स्वस्थ और ठीक तो होगा नहीं, मन और बिखर जाएगा। मन को ठीक कर लेने के बाद जीवन में क्या फल होता है? जैसा शीशे मूल को फूले फले अघाए, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने पर पूरा पेड़ हरा भरा होता है, पुष्ट होता है, बढ़ता है, समय से फूल आते हैं, फल आते हैं और सींचने वाले को अघा कर पेट भर फल खाने को मिलता है। कोई सोचे जड़ में न फूल आते हैं न फल आते हैं तो जड़ में खाद और पानी देने की क्या आवश्यकता है? खाद और पानी तो वहां देना चाहिए जहां फूल आते हैं और फल आते हैं। ऐसा सोचकर कोई जड़ में खाद पानी देना बंद कर दिया और खाद पानी को वहां वहां देने लगा, खाद वहां वहां बांधने लगा जहां जहां जिन जिन डालियों में फूल आते हैं और फल आते हैं, परिणाम क्या हो गया? कुछ फायदा हो पाएगा? जड़ हमारा मन, एक मन ठीक हो जाए बाकी और को ठीक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। काम धाम करना पड़ेगा, खेती नौकरी व्यापार ये सब करने पड़ेंगे, लेकिन अब खेती नौकरी व्यापार में कितनी उन्नति क्यों ना कर ले, यदि आपका मन ठीक नहीं है तो आप सुखी नहीं हो सकते। थोड़ी ही चीज है, छोटा मकान है, आपका मन ठीक है, स्वत है, निर्मल है तो थोड़ी वस्तुओं में, छोटे से मकान में,
बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत हो सकता है। दुनिया में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसे हम ठीक रख सकते हैं, जिस पर स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। मन को छोड़कर और किसी पर हमारी स्वस्थता नहीं है, किसी पर भी नहीं है। अब मन हमारा है, मन पर हमारा पूरा अधिकार है कि अपने मन को हम कैसे रखना चाहते हैं और उससे कैसे क्या काम लेना चाहते हैं। हर आदमी के पास तीन चीजें होती हैं। जितने भी आदमी हैं दुनिया में, सबके पास तीन चीज आपको अवश्य मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपये पैसे नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन तीन चीजें हर आदमी के पास। उस तीनों क्या है? शरीर, मन और आत्मा। ये तीनों किसके पास नहीं है? जीवित आदमी के पास। अब इन तीनों में किसके बनने पर हम सुखी हो सकते हैं और किसके बिगड़ने पर हम दुखी हो सकते हैं, और इन तीनों में हमें किसे ठीक करना है, अधिकार किस पर है? शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित जड़ बेजान। शरीर क्या है? मुर्दा, शव। सुंदर क्यों लगता है शरीर? आकर्षक क्यों लगता है शरीर? क्योंकि इसमें शिव का निवास हो रहा है। शिव मंगलमय कृतार्थ। और शिव कौन है? आपकी चेतना, आप स्वयं जीव। यदि हम जिंदगी भर केवल शरीर को खिलाते पिलाते रहे, शरीर की व्यवस्था करते रहे, शरीर को सजाते संवारते रहे, और हमें आत्मबोध नहीं हुआ, हम जीव तत्व को जान नहीं पाए, तो कहना चाहिए हम जिंदगी भर केवल शव की उपासना करते रहे, शव के पुजारी बने रहे। लेकिन इसी शरीर में रहते हुए, शरीर की सारी व्यवस्था करते हुए, शरीर के मोह को छोड़कर आत्मा में रमण करने लगे, आत्मा का ज्ञान हो गया, स्वयं का ज्ञान हो गया हमें, और मन बाहर से मुड़ कर आत्मलीन हो गया, तो आप शिव के उपासक बन गए, शिव के पुजारी बन गए। यह शरीर
शव और शिव दोनों का मिलन स्थल है, दोनों उपस्थिति से हमारा जीवन चल रहा है। केवल शरीर को जीवन नहीं कहा जा सकता और केवल चेतना को आत्मा को जीवन नहीं कहा जा सकता। शरीर और जीव दोनों का संबंध काल ही जीवन है। जब तक इस शरीर में जीव की उपस्थिति है तब तक जीवन है, और जीव निकल गया इसे, शरीर और जीव अलग अलग हो गए, तब जीवन कहाँ है? तब मुर्दा है। अब सोचना हमको यह है, जिंदगी भर खाली मुर्दा शरीर को, शव को ही सजाते संवारते रहना, इसी की व्यवस्था में ही लगे रहना है, या इसकी व्यवस्था करते हुए इससे ऊपर उठकर शिव तत्व को पहचान कर उसमें स्थित होने का काम करना है? तो शव है और शिव है। शव शरीर है और शिव जीव है, आत्मा है। तो शव शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित बीजाणु जड़, जीव चेतन ज्ञान गुण संपन्न, दोनों को जोड़ने वाला मन। तो शव शरीर है, मन है, आत्मा है। ठीक किसे करना है और ठीक किसे हम कर सकते हैं, आवश्यकता किसको है ठीक करने की? सबसे पहले शरीर, शरीर स्थूल है, शुरुआत यहां से करें। क्या शरीर पर हमारा पूरा का पूरा अधिकार है? क्या शरीर को हम सब समय अपने अनुसार बना करके रख सकते हैं? किसी आदमी का अपने ही शरीर पर पूरा अधिकार नहीं है। शरीर पर अधिकार होता तो कोई आदमी अपने शरीर को बीमार ना पड़ने देता। परहेज करो, संयम करो, आहार विहार खान पर सावधानी रखो, फिर भी शरीर बीमार हो जाता है। बीमार नहीं भी हुआ तो धीरे धीरे एक दिन प्रौढ़ होगा, बूढ़ा होगा, जर्जर होगा और मिट्टी में मिलेगा। इसे कौन रोक सका है? शरीर पर अधिकार होता तो क्या आदमी अपने बाल को पकने देता? फिर तो सदैव काला बनाकर रखता। शरीर पर अधिकार होता तो क्या आदमी चश्मा लगाता? बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ अधिकार है? हमारा ही शरीर है, हमारे अधिकार में नहीं है। रोज रोज बदल, रोज प्रत्येक क्षण बदल रहा है। विश्वास हो या ना हो लेकिन हकीकत है, प्रत्येक क्षण अरबों अरबों परमाणु इस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और अरबों अरबों परमाणु इस शरीर से निकल रहे हैं। लाखों करोड़ों कोशिकाएं हर पल मर रही है और जीवित हो रही, जन्म ले रही है। हम देख नहीं पाते शरीर को, लगता है हमारा शरीर वही का वही है। हर क्षण बदल रहा, हर क्षण बदल रहा, कहाँ अधिकार है? चलो अधिकार तो नहीं है। क्या इस शरीर को हम पूरा का पूरा शुद्ध और निर्मल बनाकर रख सकते हैं? कोई नहीं कर सकता।
शरीर को पूरा का पूरा हम निर्मल नहीं बना सकते। शरीर को तो गंदगी का पिटारा कहा गया है। सुबह हुई, नींद खुली, पेशाब गया, आए कुल्ला की आंख मुंह सब धोए, पानी पिए, शौच गए। शौच जाने के बाद साबुन से, मिट्टी से, हैंड वॉश से हाथ धोते, हाथ मांजते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शौच किया है और हाथ से वहां पर धोया हुआ है, हाथ गंदा है, मल लग गया है धोते धोते शरीर में, इसलिए शरीर को साबुन से धोना जरूरी है। और पेट में मल भरा है तब क्या करोगे? कौन साबुन धोगे? कोई ऐसा साबुन है कि घोल कर पी जाओ सारा सारा मल निकल जाए बाहर शरीर से? कौन उपाय है उसके लिए? पसीना आ रहा है, पसीने से तर बतर, परेशानी हुई, गए बाथरूम में, नल खोले, बाथरूम नहीं है, तालाब में गए, नदी में गए, नाला में गए, कुएं पर गए, नदी नाला तालाब में खूब डुबकी लगा लगा करके नहाए, खूब रगड़ रगड़ करके पसीना धोए, बाथरूम में टोटी खोले, पानी भरते गए, बाल्टी भर बाल्टी पानी डालते गए, रगड़ रगड़ कर धोते गए, क्योंकि पसीना से आप परेशान थे। नदी या नाला से नहा करके निकले, खूब नहाए आप, खूब नहाए, शरीर ठंडा हो गया आपका भी, अब आराम हो गया, शरीर ठंडा हो गया, पसीना दूर हो गया, निकलते हैं। नदी किनारे, तालाब किनारे बाहर निकले, पहुंचने लगे, जब तो पहुंचने लगे फिर पसीना आ गया, अब फिर कूदोगे नदी में? बाथरूम में नहा रहे हैं, खूब नहाए, खूब नहाए, एक घंटा तक नहा लिए, पसीना दूर, रगड़ रगड़ के मैल दूर कर दिए, नहाना बंद, तौलिया लिए, पोछने लगे, कपड़े पोछे तब पहने, तब तक फिर पसीना आ गया, अब क्या करोगे? शरीर को आप गंदगी से सर्वथा मुक्त कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि शौच जाने पर हम हाथ ना धोएं साबुन पानी से, पसीना आ गया, कुछ हो गया, धूल गर्दा लग गया तो नहाए ना, ये मतलब नहीं है, जरूरी है। लेकिन कितना भी हम उपाय कर लें, शरीर को निर्मल बना ही नहीं सकते हैं। शरीर निर्मल है ही नहीं, चाम गंदा, कहीं बाहर एक चाम पड़ा हुआ हो, और कोई कहे भैया ये चाम है उठाकर वहां कहां ले जाओगे ना, कि नहीं हम नहीं उठाएंगे, गंदी चीज है। कहीं मांस पड़ा हो कि भैया ये मांस उठा लो, कि नहीं नहीं हमारा मांस हमें देखने का हमारा मन नहीं कहता, हम छू भी नहीं सकते। हड्डी पड़ी हो कि हम छू नहीं सकते, और शरीर में क्या है? शाम है, मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, खून है, कप है, लार है, थूक है, यही तो है ना शरीर। इसे बताओ, शाम, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, रक्त, कब, थूक, लार, इसमें कौन चीज पवित्र है? सब इकट्ठा कर दिया गया है, ऊपर से चाम लपेट दिया गया है, शरीर बहुत बढ़िया लग रहा है। तो शरीर को हम पवित्र बनाकर नहीं रख सकते। जितना संभव हो साफ सफाई शुद्धता पर ध्यान रखना है। शरीर को अधिकार में हम रख नहीं सकते, ये बदलेगा, परिवर्तित होगा और एक दिन मिट्टी में मिलेगा। सबका शरीर मिट्टी में मिला है, सबका शरीर मिट्टी में मिला है, एक दिन धरती में जाना है, पक्का समझ लो सबका।
गरीब का, रंक का और राजा का, सबका शरीर उसी धरती में जाना है। कितने बड़ा मकान बना लो, आकाश में उड़ो, लेकिन एक दिन आएगा जब धरती में समाना होगा। एक बहुत बड़े पूंजीपति ने बड़ा मकान बनाया, कई तल्ले का, 35-40 तल्ले का मकान बनाया, कई कमरे, सारी सुविधाएं, मकान पर हेलीपैड, मकान के अंदर ही स्विमिंग पूल, थिएटर और ये वो सारी व्यवस्था की। पैसा वाला आदमी है, खूब व्यवस्था कर लिया। बड़े आदमी, बड़ा अहंकार, हमारा मकान सबसे कीमती, हमारा मकान सबसे बड़ा, बहुत चर्चा चल रही थी भाई अमुक सेठ ने ऐसा मकान बनाया है, ये सब कुछ व्यवस्था है उसमें। एक सज्जन ने कहा, सब तो बनाया है लेकिन एक चीज बनाया भूल गया है, उसे बताना चाहिए। कि क्या बताना भूल गए, क्या बनाना भूल गया है? सब चीज बनाया, बनाया तो सब सारी व्यवस्था, तो क्या बनाना भूल गया? शमशान बनाना भूल गया मकान में। अरे 50 तल्ले का मकान उसी धरती पर जाना पड़ेगा जहाँ गर्मी, एक गरीब आदमी जाकर फिर फायदा क्या हुआ इतना बड़ा अरबपति होने का? जिस धरती में एक रिक्शा खींचने वाला जाएगा उसी धरती में खरबपति आदमी जाएगा तो दोनों बराबर हो गए, फिर फायदा क्या हुआ? तो एक दिन इस शरीर को उसमें उसमें जाना ही जाना है, पक्का, इसे कोई रोक नहीं सका है। तो शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, शरीर को हम जैसा चाहें वैसा निर्मल बना करके रख नहीं सकते, गंदगी का पिटारा है। दूसरा है आत्मा, इस जीव, जीव हम स्वयं हैं, अपने को हम कभी छोड़ सकते नहीं है। शरीर भी छूट जाता है, एक दिन शरीर जन्म लिया है और एक दिन शरीर मर जाएगा। लेकिन मैं कहने वाला, ये जो जीव तत्व है, चेतन तत्व है, न जन्मता है न मरता है, इस शाश्वत, हम स्वयं है और हमारा जो स्वरूप है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है। जीव स्वभावतः गंदा होता, जीव के स्वरूप में मल होता, विकार होता, गंदगी होती, तो कितनी भी साधना करें, कितनी भी साधना करें, हम कभी दुख से मुक्त हो ही नहीं सकते थे। हमारा और आपका स्वरूप निर्मल, निर्विकार, तो जीव शुद्ध करने के लिए कुछ करना नहीं है, और तो शुद्ध बुद्ध निर्मल है ही। अपनी निर्मलता को भूल गया, हम जो कुछ करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं करना है, अपनी वास्तविकता को समझकर उसे वैसे बनाए रखने के लिए करना है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम मुक्त थे, तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था। तहिया हता न कोय, तहिया तब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था। सोचें, जब हम और आप पैदा हुए तब क्या मन में काम की बात ना थी? पैदा होते ही आप क्या गुस्सा करने लग गए थे, लोभ करने लगे थे, मोह करने लगे थे, ईर्ष्या द्वेष करने लगे थे? कुछ नहीं था। पैदा हुए तो क्या आप झूठ बोलना जानते थे, चोरी करना जानते थे, लड़ाई झगड़ा करना जानते थे, बीड़ी तंबाकू गुटखा भांग खाना पीना जानते थे? कुछ भी तो बंधन नहीं था आपके पास।
जहिया जना मुक्ता हता। जब हजूर कहते जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम मुक्त होकर के आए, निर्मल बच्चों का मन, निर्मल साफ पाक। वो तो जितना बच्चा बड़ा होता जाता है, माता पिता दादा दादी परिवार वाले उसे बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। अब बिगाड़ना कहो चाहे बनाना कहो, बचपन से ही झूठ बोलने की सीख, छड़पट करने की सीख, पता नहीं कैसे किसी सीख शुरू हो जाती है। संगत मिलती गई, सीख मिलती गई, आदत बिगड़ती गई और तमाम प्रकार के विकार हमने बना लिया। जहिया जन्म मुक्ता हता। सदगुरु कहते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम मुक्त थे। उसे अपनी मुक्ति को बना करके रखना है। हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी उसी मुक्ति को वापस लाने के लिए भूल गए हैं। तो जीव शुद्ध बुद्धि निर्मल है और वो हम स्वयं के लिए कुछ नहीं करने का, शरीर अधिकार में हो नहीं सकता। कैसा भी प्रयत्न कर ले पूर्ण निर्मल होगा नहीं। जी हम स्वयं हैं, वो निर्मल है। तब क्या बच गया जिसे करना है? बीच में बच गया मन। शरीर नहीं बिगड़ा है, जीव नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा है केवल मन। गंदा है केवल मन, विकारी है केवल मन। उसी मन को ही ठीक करना है। सदगुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लो, एक मन को स्वस्थ कर लो, सारी साधनाएं छद जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। देखकर सुनकर अनुभव करके कुसंस्कार और मैल हम लगाते चले गए, बनाते चले गए। अब मन को ठीक कैसे करना है? साधन क्या है? लोग ये भी कहते हैं महाराज मन बहुत चंचल है, कैसे ठीक रखें? पहले ये सोचें कि मन चंचल क्यों हुआ, कारण क्या है। जिस जिस खान पान से, जिस जिस रहन सहन से, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस देखने से, जिस सुनने से आपका मन चंचल होता है, विकारी होता है, बहिर्मुख होता है, वो सब का त्याग कर दो। मन चंचल नहीं होगा, विकारी नहीं होगा। जीवन भर देखना है, जीवन भर खाना है, जीवन भर बोलना है, जीवन भर सुनना है, जीवन भर काम धाम करना है, जीवन भर बात व्यवहार करना है, लेकिन सबको शोध करके। ऐसा न बोले, ऐसा न देखें, ऐसा न सुने, ऐसा न छुएं, ऐसी चीज न खाएं, ऐसे बात व्यवहार न करें, ऐसे कर्म न करें जो मन को चंचल बनाने वाला हो, विकारी बनाने वाला हो। सही करें, जो करें सोच समझ करके करें, परिणाम को देख करके करें। सामने जो क्रिया है उसको ना देखें, उस क्रिया का परिणाम क्या होगा उसको देखें। परिणाम को देख करके यदि हम कुछ भी करेंगे इंद्रियों का व्यवहार तो गलत नहीं होगा। वैसे हर आदमी यही मानता है कि मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं, जो करता हूं सही करता हूं, जैसा मेरा व्यवहार है वो सही व्यवहार है। अपने बोलने को, अपने करने को, अपने व्यवहार को कोई गलत थोड़े मानेगा। किसी से पूछ करके देखो, कहते हैं मैं तो सही हूँ,
सामने वाला गलत। प्रश्न यह है, जब आप सही हैं तो दुखी क्यों हैं? जब आप सही हैं तो मन तनाव में क्यों है, पीड़ित क्यों है? आपको बोलना ठीक, आपका सोचना ठीक, आपका करना ठीक, आपका व्यवहार ठीक, तो आपका मन चंचल क्यों हुआ, तनावग्रस्त क्यों हुआ, क्यों दुखी हुआ? इसका मतलब सब गड़बड़। कैसे हमारा बोलना सही है, हमारा करना, हमारा व्यवहार सही क्या है, इसकी कसौटी कैसे करें? जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार आपके परिवार के सदस्य करने लग जाएं तो आपको क्या अनुभव होगा, जरा सोचो। जैसा काम आप कर रहे हैं, जैसी बात आप बोल रहे हैं, वैसा ही काम आपके निकटवर्ती लोग, परिवार के लोग, संबंधी लोग करने लग जाएं, जैसी बात आप बोल रहे हैं वैसी ही बात आपके निकटवर्ती लोग, पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, सास बहू या अन्य बोलने लग जाए, तो आप प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे? यदि अपने जैसा व्यवहार कर रहे हैं आप वैसा ही व्यवहार आपके परिवार के लोग कर रहे हैं, साथी लोग कर रहे हैं, जैसी बात आप बोल रहे हैं वैसी बात आप परिवार के लोग बोल रहे हैं, साथी लोग बोल रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, समझना आपका बोलना, आपका व्यवहार गलत है। और जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, जैसी बात हम बोल रहे हैं वैसा साथी लोग कर बोल रहे हैं, और उनको देख कर हम बड़े खुश हो रहे हैं, तो समझना आपका बोलना, आपका करना, आपका व्यवहार सही है, ये कसौटी है। अब इस कसौटी में कहते हैं ना, तो मन विकारी नहीं होगा, मलिन नहीं बनेगा। गलत बोल सुख सुख कुछ गलत कर करके हमने मन को मलिन बना रखा है, और मन की मलिनता ही दुख का कारण बनती है। तो ठीक करना किसे है? मन को ही। मन ही बस में हो सकता है। मन हमारा, मेरे शरीर पर परिवार वाले अधिकार कर सकते हैं, मेरे रुपये पैसे सब पर शरीर वाले अधिकार कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। मन केवल मेरा है। और उसी मन को हमने बेलगाम छोड़ दिया है। कहते हैं साहब मन को तो सब कुछ ठीक हो सक रहा है, लेकिन मन ही ठीक नहीं है, तो क्या ठीक हो रहा है? मेरे मन पर मेरे सिवा दूसरा कोई अधिकार कर ही नहीं सकता है। मैं यहां बैठा हूं और अभी मैं कहूं कि मुझे रायपुर जाना है, आप लोग कहें नहीं था आपको जाना नहीं, रायपुर नहीं जाना है, हम लोग नहीं जाने देंगे। मैं कहूंगा नहीं, मुझे जाना है, हर हालत में जाना है। आप कहोगे कैसे जाओगे, हम जाने ही नहीं देंगे। रस्सी लाए, जंजीर लाए, मेरे हाथ पैर को बांध दिए, जितने फाटक हैं सबको बाहर से बंद करके ताला लगा दिया, और चारों ओर आप लोग खड़े हो गए पहरे में। कहते ठीक है, जाना चाहे रायपुर, अब जाइए आप। क्या मैं रायपुर जा सकूंगा? हाथ पैर बंधे हुए हैं, फाटक बंद, सभी फाटकों में ताले लगे हुए हैं, पहरे चारदार से, शरीर मेरे अधिकार में कहाँ है? लेकिन आप लोग चाहे हजार बार कोशिश कर लो, मेरा शरीर बंधे हुए भी मैं एक मिनट में पांच बार रायपुर पहुंच जाऊंगा और वहां से आ भी जाऊंगा। क्या कोई ऐसी जंजीर है जिसमें आप मेरे मन को बांध सकते हो? क्या कोई ऐसी कोठरी है जिसमें आप मेरे मन को कैद कर सकते हो?
ऐसा कोई जेल खाना नहीं बना है आज तक जहां किसी आदमी के मन को कैद किया जा सके। ऐसी कोई जंजीर नहीं बनी है आज तक दुनिया में जिससे किसी आदमी के मन को बांधा जा सके। पूर्ण स्वतंत्र है आदमी का मन और वही बिगड़ गया है, उसी को ही ठीक करना है। ज्ञान विवेक विचार की जो कि साधना है उसी द्वारा निरंतर निगरानी, निरंतर निगरानी, केवल एक काम करें, ये देखें कि मेरा मन क्या सोच रहा है। एक भी गलत बात, नकारात्मक बात, वासनात्मक बात न सोचे, जो सोचे सही सोचे। ज्ञान की बात, विवेक की बात, भक्ति की बात, सेवा की बात, संयम साधना की बात, सकारात्मक बात सोचे। हर समय निगरानी, हर समय निगरानी, निगरानी रखते जाएंगे, मन की चंचलता दूर होती जाएगी, मन अधिकार में होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा लंबे समय तक, ये श्रम साध्य है। केवल कहने से, सुनने से, पढ़ने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। और जिस दिन हमारा मन निर्मल स्वस्थ हुआ, मुक्ति उसी दिन हमें मिल जाएगी। है मिली मिलाई है, अनुभव नहीं हो रहा। मन निर्मल हुआ, मुक्ति मिली मिलाई है, सुख शांति प्रसन्नता सब मिले मिलाए हैं। करना कुछ नहीं है, मन की मलिनता नरक और बंधन का कारण, मन की निर्मलता स्वर्ग और मोक्ष का कारण। ये बात हमें समझने की है। तो शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते, आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते, तो शुद्ध है ही, शुद्ध करना है केवल मन को। और मन शुद्ध हुआ, बस केवल मोक्ष, परमानंद, परम शांति सब कुछ मिल गए। इसीलिए योग दर्शन में कहा गया है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। जैसा पुरुष शुद्ध है, पुरुष का मतलब यह स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष जीव को कहा गया है। पुरी शेते पुरुष, शरीर एक पुर है गांव, इसमें जीव निवास कर रहा है, इसलिए शरीर को पुर कहा गया और जीव को पुरुष कहा गया। पुरुष, पुरुष के दूसरी व्याख्या, पुर कहते हैं आगे को, सामने को, उस कहते हैं जलाने को, प्रकाश करने को। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता जाए वह जीव पुरुष है। स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो, नपुंसक शरीर में हो, सभी शरीर में निवास करने वाला जीव एक समान है, वो पुरुष है, वो निर्मल शुद्ध। तो जैसा पुरुष शुद्ध है, निर्मल है, वैसे ही जब सत्व शुद्ध हो जाए, सत्व का मतलब अंतःकरण मन, सत्व का अर्थ होता है प्राणी, सत्व का अर्थ होता है मन, अंतःकरण। यहां सत्व का अर्थ है अंतःकरण और मन, चित्त। जैसा हमारा स्वरूप शुद्ध है, वैसा हमारा मन शुद्ध हो गया, दोनों की समान शुद्धि हो गई, बस कैवल्य मिल गया, मोक्ष मिल गया, परमानंद मिल गया, शांति मिल गई। इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों में अधिकार हमारा है, तो केवल मन पर है। मन ही बिगड़ा है, मन क्या बिगड़ा, मन का सोचना बिगड़ गया है, उसी को ठीक कर लें। उसी के लिए ज्ञान, भक्ति, सेवा, संयम साधना की आवश्यकता है, पूजा पाठ नाम जप की आवश्यकता है। एक मन ठीक हो गया, सारी पूजा, सारे पाठ सब सार्थक।
नहीं हुआ तो सब बेकार निरर्थक। कैसे मन को शुद्ध करना है यही सोचना, इसीलिए कहा गया निरंतर मन पर निगरानी। हम जो कुछ कर रहे हैं उसी के लिए है। आगे इस विषय पर और हम चिंतन मनन करेंगे। 15 मिनट शेष है, बत्ती बुझाओ और सभी लोग ध्यान में थोड़ा बैठो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम